की बहारे भी कुछ गम नहीं खिजा का आएगी बहारे भी गुलशन ये कह रहा है उम्मीद के सहारे इंसान जी रहा हिम्मत न हार राही मंजिल मिलेगी तुझको हिम्मत न हार राही संसार चल रहा है उम्मीद के सहारे इंसान जी रहा ऐसी से हर ख्वाहिश पे दम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ओ गोपाल, अरे तुम यहाँ मौजूद हो? मैं तुम्हारे घर से होके आया हूँ। अरे तुम हमसे पूछे बगैर इस्तीफा दे दिया? बेकारी के जमाने में कोई नौकरी छोड़ता है? ये भी कोई नौकरी है गोपाल जिस पे फकर किया जाए? इरादा क्या है तुम्हारा शंकर? बॉम्बे जाने का इरादा है। किसके सहारे? उम्मीद के सहारे। तख्त या तख्ता? अभी तक जितने भी हमारे दोस्त बंबई गए उन्हें तख्ता ही मिला, तख्त किसी को नहीं मिला। मुझे डर है कि तुम्हारा भी कहीं ये असर ना हो। पर खुदार शेठ ज्वाला प्रसाद को जानते हो? जी नहीं। वो तुम्हारे पिताजी के गहरे दोस्त थे। वो तुम्हारे घर रोजाना आया जाया करते थे। तुम्हारे पिताजी से 500 रुपए लेकर बंबई के आ गए, लखपति बन गए। तुम अपनी माताजी से चिट्ठी लेकर उनसे मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अच्छा गोपाल मैं चलता हूं। मां, 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 बोले माँ जी कहाँ? मंदिर। आपके लिए प्रार्थना करना। अच्छी खासी नौकरी को लात मार कर घर बैठ गए, बड़ी अकल की बात की है ना आपने। अरे भोले तू सारी उम्र भोला ही रहेगा, तेरे शंकर को एक नहीं 10 नौकरियां मिल सकती है। देख मैंने इस उम्मीद पर नौकरी छोड़ी है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, समझा? माँ, माँ तुम्हें याद है तुमने कहा था पिताजी के गहरे दोस्त थे, उनका नाम था ज्वाला प्रसाद, और जो उनके माता काम भी करते थे, और बंबई जाने से पहले उन्होंने पिताजी से 500 रुपए उधार भी लिए थे जो आज तक वापस नहीं किए। कहा तो था बेटा। माँ वही ज्वाला प्रसाद बंबई जाकर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है, माँ लखपति बन गया है, लखपति। तो क्या हुआ बेटा? तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ हुआ। बस ज्वाला प्रसाद जी को एक चिट्ठी लिख दो, मेरा काम बन जाएगा, बॉम्बे जाकर किस्मत आजमाऊंगा। तुम्हें तो दिन रात अपनी किस्मत बनाने की फिक्र रहती है, अपनी माँ का रत्ती भर ख्याल नहीं। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा ये तुमने कभी सोचा? तेरी परेशानी की वजह अच्छी तरह जानती हूँ, मगर तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है।
माँ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं सेठ जी के नाम चिट्ठी लिख दूंगी, तुम कल बंबई जा सकते हो। माँ सच, माँ माँ तुम सचमुच ग्रेट हो, माँ सचमुच ग्रेट हो, माँ तुम सचमुच ग्रेट हो। माँ माँ अपनी सेहत का ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना और मेरे लिए बिल्कुल चिंता ना करना। जरा सुनिए, जी जरा सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं समझ गई आप क्या पूछने वाले। यहाँ हर रोज आप जैसे आदमियों से वास्ता पड़ता है। जी मैं दरअसल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा नाम पूछना चाहती हूँ। जी नहीं, घर का पता? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेठ ज्वाला प्रसाद की मिल कहाँ? इधर नहीं, उधर है। उधर उधर कहाँ? देखिए यहाँ से स्ट्रेट जाइए, स्ट्रेट फिर राइट फिर लेफ्ट, लेफ्ट फिर स्ट्रेट फिर राइट फिर लेफ्ट, स्ट्रेट फिर राइट फिर लेफ्ट, स्ट्रेट फिर राइट लेफ्ट। राइट फिर लेफ्ट, किथे आ रहा मुंह चक के? होटल नहीं है पुत्र, फैक्ट्री है फैक्ट्री। जानता हूँ सरदार जी, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। और इतने नौकरी नागरी की है, इतने कुछ नहीं है। पहला दर्द तो मिल रहा किन्नू है? सेठ ज्वाला प्रसाद को। सेठ ज्वाला प्रसाद? ओ बल्ले बल्ले, और मुंह ते मसूर दी दाल, और सानू पंजी वरे हो गए दरवाजे बाहर खड़े, असि आज तक अंदर नहीं गए। सरदार जी मैं सेठ जी का रिश्तेदार हूँ। और तुसी अगर ओदे पियो भी हो तो मैं तुहानू अंदर ना जान दवा है। और तू मेरा मुंह की देख लो, मैं तो एक चपेट मारा तेरे, मैं पति तंद बाहर कर दवा। बादशाह तुसी नाराज क्यों हो रहे हो? असी भी पंजाब दे रहने वाले हैं। है तुसी पंजाब दे हो? अबे ऐनी गल हुंदी क्यों, तुसी साडे भरा हो। ओ जाओ छेती अंदर, तुहाडा रब फतेह कर देगा, तुहानू नौकरी मिल जाएगी, सेठ बड़े अच्छे आदमी ने। मुझे सेठ जी से मिलना है। इस पे आपका नाम और काम लिख दीजिए। ये लीजिए, यहाँ तशरीफ रखिए। थैंक यू। आइए, सेठ जी बुला रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, आइए। क्या बात? माता जी ने आपके नाम ये चिट्ठी दी है। माता जी से हम क्या समझे? मैं जगन्नाथ त्रिपाठी का बेटा हूं। जगन्नाथ त्रिपाठी? जी हाँ। तुम जगन्नाथ त्रिपाठी के बेटे हो? अरे बैठो 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 बैठो, तुम त्रिपाठी जी के बेटे हो? हैं जी। बंबई कैसे आना हुआ? नौकरी के लिए। भाभी जी यानी तुम्हारी माता जी कैसे? बस आपकी इनायत है। नाम शंकर, नौकरी की तलाश में जा रहा है, मुझे आशा है कि आप इसकी सहायता करेंगे। ये रहे मेरे सर्टिफिकेट्स। शंकर तुम्हारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि तुम त्रिपाठी जी के बेटे हो। शुक्ला। यस सर। किधर वैकेंसी है? चंद दिन हुए श्रीराम इस्तीफा देकर चला गया, लेकिन वो बहुत ही मामूली। कोई बात नहीं, शंकर को मुझे बैठा दो, बाद में देखेंगे। और तुम जिन जिन से इसे मिलवाना जरूरी समझते हो उनसे मिलवा दो। ये सर्टिफिकेट है लेकिन उनकी जरूरत नहीं। शंकर
तुम्हारे पिताजी का एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्ला। यस सर। ले जाओ। चलिए मिस्टर शंकर। यह मिस्टर शंकर हरिराम की पोस्ट पर। शंकर मट्टू, तुम एक दूसरे को जानते हो? यस सर, जानते हैं। तो ठीक है, तो फिर इन्हें काम अच्छी तरह समझा। हाँ सर। राइट। यस सर। ओके, थैंक यू सर। शंकर मट्टू, कैसा तुम? फर्स्ट क्लास। अरे मेरे यार, तुझे काम क्या सिखाऊंगा, मैं काम को घोल कर तुझे पिला दूंगा। अरे मट्टू, तू तो बॉम्बे एक्टर बनने के लिए आया था और बन गया क्लर्क। अरे तुम दोनों बड़े पुराने दोस्त हो। अरे हम लोग बचपन के लंगोटिया यार है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। अरे बचपन में हम लोग दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। शंकर, ये है मुंशी बालक राम, शुक्ला साहब के चमचे। ओ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। जीते रहो। और मट्टू, अपने यारों के यार बांके की तो इंट्रोडक्शन करवा दे। हाँ शंकर, इनसे मिलो यार। ये है चक्रधारी बांके लाल जी। चक्रधारी? हाँ, हमारे कंपनी में 15 साल से झक मार रहे हैं। आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। शंकर साहब को शुक्ला साहब बुला रहे हैं। सी यू। सी यू। सर, आपने मुझे बुलाया था। कम इन। मिस्टर शंकर, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, इस दफ्तर का हर काम उसूल और कायदे से होता है। जिस तरह काम हो रहा है बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। मैं इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहता। राइट। यस सर। ऑफिसर स्टाफ क्वार्टर्स में आपके लिए एक फर्निश फ्लैट अलॉट किया गया है। ये लीजिए चाबी, आप आज ही शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, विश यू लक। थैंक यू। मिल का तो पता चल गया। ये बताइए कि गाना आप गा रही थी? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है? लीला। लीला? क्या वही मशहूर रेडियो सिंगर लीला देवी तो नहीं? आपको कोई एतराज है? जी नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मेरी पुरानी आरजू थी कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए। वो तो पूरी हो गई, अब आप तशरीफ ले जाइए। लीला, इनकी तशरीफ का टोकरा कहाँ भेज रही हो? ये तो मेरे कॉलेज के दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड मिस्टर शंकर। शंकर, मेरी बहन लीला। बहन? नमस्ते। नमस्ते। मैं तो इन्हें कुछ और ही समझ बैठी। हाँ हाँ, तुम तो कुछ और ही समझने लग जाती हो। आज ही इन्हें हमारे दफ्तर में नौकरी मिल गई है और लकीली पड़ोस का फ्लैट भी मिल गया है। अभी तुम्हें एक काम करना चाहिए, सुबह का नाश्ता और दो वक्त का खाने का इंतजाम भी हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? और दूसरी एक बात, मैं ये बीच का दरवाजा खोल देता हूँ ताकि आने जाने में तकलीफ न हो। क्या लिखा है उसने? लिखा है, पहुंचते ही नौकरी और रहने के लिए बहुत अच्छा मकान मिल गया उसे। अच्छा, तो इसी खुशी में मुंह मीठा कराइए माँ जी। जरूर जरूर बेटा, तू बैठ। भगवान के आशीर्वाद के लिए उसके नाम से चढ़ाया था। ले बेटा प्रसाद ले, इसी से मुंह मीठा कर। हाँ।
और क्या लिखा है माँ जी? लिखा है पड़ोस की एक भली लड़की मकान की देखभाल कर दिया करती है। आओ हिना, आओ, आओ। आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊं। ये देखो, यही मेरी माँ है। सिर्फ माँ ही नहीं, बहन, भाई, बाप, दोस्त, सब कुछ। माँ ने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, और ये जो नौकरी मिली है ना लीला, ये माँ के आशीर्वाद से मिली है, माँ के आशीर्वाद से। इस दुनिया में माँ के सिवाय और कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है लीला। क्या हुआ लीला? कुछ नहीं, माँ याद आ गई। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ चल बसी। आज ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ वापस आ गई है। हाँ लीला, हाँ, माँ वापस आ गई है लीला, माँ वापस आ गई है। सर फाइल रखो। सर अगर बुरा ना माने तो एक अर्ज करूं। बोलो। सर वो नया बालक है ना शंकर, उसने अभी से पढ़ निकालने शुरू कर दी। साफ साफ बोलो। सर शंकर एक क्लर्क है, उसका काम आपके बताए मुताबिक चार्ट बनाना है। तो उसको मैंने अभी अभी मशीन रूम में देखा, अब वहां उसका क्या काम? मशीन रूम? जी हाँ। ये? नो नो नो, ये नहीं, ये हाँ यही है, ये हेलो। मौत की आवाज। ये सर, हाँ मैं आ जाऊं? शंकर जी हाँ, शंकर के साथ आ जाऊं, अभी आया सर। रोजी डालिंग, तुमने शंकर को देखा? हम किसी शंकर बंकर को नहीं जानता, बस मॉर्निंग में शुक्ला का सूरत देखा, हमारा लाइफ मिजरेबल हो गया। कितना कागज दिया है टाइप करने को, माय गॉड क्या मैं छोक रहा है। जी चाहता है शुक्ला को गोली मारने का, गोली मारने का। बुलेट मारने की जरूरत नहीं, आंखों से मार सकती है। देखो ये लव मेकिंग का टाइम नहीं। ओह आई एम सॉरी। मैंने जो चार्ट दिया था तैयार हुआ? यस सर। ये क्या? सर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने इसमें चंद तब्दीलियां करने की कोशिश की। तब्दीलियां? किसने कहा था तब्दीलियां करने के लिए? ओ सर ठीक कहते हैं, तुम्हें किसने कहा तब्दीलियां करने के लिए? गेट आउट। अगर हर क्लर्क इसी तरह तब्दीलियां करने लगेगा तो इस दफ्तर का काम कैसे चलेगा? मिस्टर शंकर मैं फिर से बता देता हूं, जिस तरह इस दफ्तर में काम हो रहा है बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। मैं इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं चाहता।
प्लीज गो। शंकर यार मैं तुझे एक जरूरी बात बताना भूल गया। क्या बात? देख अगर तुझे इस ऑफिस में काम करना है ना तो शुक्ला जो कहता है वो सुन ले और दो टाइम के आराम से रोटी खा ले। रोटी तो घर पे भी मिलती थी मट्टू, मैं यहां सिर्फ क्लर्क बनने नहीं आया। तो क्या बॉस बनने आए हैं? शंकर मैं फिर कहता हूं जो शुक्ला कहता है वही कर। He's a jolly good fellow, 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 he's a jolly good fellow. भैया फिर पीकर आए हो? मुझे क्यों डांटती हो? शंकर को डांटो जिसने दफ्तर में आते ही लड़ाई मोल ली। किसके साथ? शुक्ला जी के साथ। शायद उसे मालूम नहीं कि असली सेठ शुक्ला जी है, बाकी के सब नकली है। क्या हुआ भैया? भाई पूरी जंग का नक्शा बताने से क्या फायदा, मैंने बीच में पढ़कर सुला सफाई करा दी, नहीं तो शंकर का पार्टी आउट हो जाता। भाई अपना ऑफिस में बहुत रुबाब है, शुक्ला जी मेरी बातों को पत्थर की लकीर समझते हैं। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, अब आप खाना खा लीजिए। ओ अरे लीला मैं तुमसे एक बात कहने ही भूल गया, आज मेरा खाना बाहर है, मेरे दोस्त के यहाँ, डाइनिंग आउट। भैया समझ गया, अब और मैं शराब नहीं पीऊंगा। यार मट्टू आज मेरी भी सिफारिश कर देना, तेरी कसम ना रात को नींद आती है ना दिन को, अपना तो इस दुनिया से कूच करने का टाइम आ गया है। तो क्या तू भी रोजी पे मरता है? अरे मरता नहीं तो तुम्हारे साथ झक मारने को आता हूँ। अच्छा तो आप इसलिए मेरे साथ आते हैं? आज पता चला। खड़ी है खड़ी। अरे वाह वाह मोतियों की लड़ी है। कंकरी मारूं? कंकरी? अरे कंकरी से क्या बनेगा, कम से कम इतना बड़ा पत्थर तो मारो लगते ही देखेगी। अरे यार ये पत्थर मारने से वो तो बेचारी मर जाएगी। इधर हम दोनों मरे जा रहे हैं, अगर वो मर जाएगी तो कम से कम फैसला तो हो जाएगा। यार तू हमेशा उल्टी बातें किया करता है, झुक जा। झुक जा क्या मतलब? झुक जा। आज पत्थर मारने का जरूरत नहीं मैं। आज लाइन क्लियर है क्या? एकदम क्लियर। जय बजरंग बली की। तुम क्या ढूंढता है? मैं तुम्हारा मम्मी को ढूंढता है, तुम्हारा मम्मी से हमको बहुत डर लगता है। तुम इतना डरपोक बनेगा तो हमारा तुम्हारा रोमांस कैसे चलेगा? अरे रोजी डार्लिंग तुम समझता क्यों नहीं, तुम्हारा वो जड़ा और मोटा मम्मी है ना, उसका जब हमको ख्याल आता है तो हमारा रोमांस का नशा हरण हो जाता है। तुम हमसे दूर रहना मांगता है, जब भी मम्मी घर में नहीं होता हम तुमसे बात करने को नहीं सकता, और हमारा हार्ट जास्ती दौड़ता है और हमारा सांस फास्ट फास्ट होने को लगता, हम अकेले में बहुत शर्म था। रोजी डार्लिंग आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना।
आंखों से जादू जगा, होंठों से मस्ती लुटा है, आंखों से जादू जगा, होंठों से मस्ती लुटा। लग जा गले से के दिल बेकरार है, चाचा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। जा मैं की आंखें नहीं ऐसे ना डर दिल रुबा, आशिक की नजरों का क्या एतबार है। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझसे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। राजा बेईमान दिखा कर शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। हमारी कसम आज तो कर दे करम, ओए तुझको हमारी कसम आज तो कर दे करम। बात खुशामद भरी खूब समझते हैं हम, कुछ भी कहे तू मुझे तुझसे प्यार है। शान हमें बहकाना, जाने दिल के राज सभी अंदाज बने अनजाना। ओ आजा मेरी जान तेरे कुर्बान तेरा दीवाना, कर ले मुझे प्यार मैं हूँ दिलदार तेरा परवाना। तू हमसे शादी कभी करेगा? यो फूल, हम अभी तेरा शादी बनाता हूँ। Due to personal reasons, I want to resign. Nonsense. हमें साफ साफ बता बात क्या है? सर, शुक्ला जी ने मुझे चार्ट भरने के लिए दिया था। फैक्ट्री के हालात को देखकर सर मैंने कुछ तब्दीलियां की थी। तब्दीलियां देखते ही शुक्ला जी मुझ पर नाराज हो गए और चार्ट को फाड़ डाला। ये बात है? यही बात है सर, और कुछ नहीं। हम इतना समझे शंकर कि तुम्हारे पास कोई स्कीम है। यही मैं चाहता हूँ सर, यही चाहता हूँ। तो ब्रिज वापस ले जाओ, जा। बेतकल्लुफी माफ लीला जी, मैं गजल के चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। इजाजत हो तो अर्थ करूँ? आप शायर भी हैं? महज अपने शौक के लिए शेर कहता हूँ। मैं अपनी पहली और आखिरी गजल आपको सुनाना चाहता हूँ। पसंद आए तो दाद दीजिए, वरना इस गजल को मैं आपके सामने फाड़ दूंगा। डर तो सिर्फ इस बात का है, अक्सर शायरों को जब मौका मिलता है तो वो पूरा दीवान ही सुना देते हैं। मैं उन बेवकूफ शायरों से नहीं हूँ। वो तो आपकी गजल सुनकर मालूम हो जाएगा। इरशाद। हमने चाहा मगर कह ना पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल ना पाई जबां उनके आगे। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, आपने तो बड़े बड़े शायरों को मात कर दिया। आदाब सर, आदाब सर।
यहाँ तक तो बहुत अच्छा शंकर, अब आगे देखें। एक्सक्यूज मी सर। शुक्ला सर, वो लिंडसन कंपनी का ड्राफ्ट। अरे नहीं शुक्ला, शंकर ने बहुत अच्छी स्कीम दिया, हम उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बात है शंकर, तुम जा सकते हो। यस सर। और सुनो, और शाम को तुम हमारे साथ घर चलोगे, तब तक हम इसे पढ़ भी लेंगे। जी हाँ सर। हाँ, तो क्या लिंडसन कंपनी ने क्या लिखा है? तुम जरा यहाँ बैठो, हम भी कपड़े बदल लेंगे। जी हाँ। नजर न लगा, आराम कितना बड़ा हो गया। कुछ कहे चाय पिलो, कहीं जा रही हो? चल चल चलो, चाय तो तैयार है। इतना शरीर था बचपन में, इतना शरीर क्या कहो। गुड बॉय। प्लान पर काम हो रहा है, किसी चीज का ख्याल ही नहीं। मैं नाश्ता कर लेता हूँ लीला, तुम नाराज मत हो, बैठो। जब तक आप इस दुश्मन को मेरी निगाहों से नहीं हटाएंगे, मैं नहीं बैठूंगी। लीला, लीला तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये प्लान मेरा सुनहरा सपना है। अगर सेठ जी को ये प्लान पसंद आया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। अरे हटाइए ना, आपको तो सिर्फ अपने सपने से प्यार है, हमारे सपने से कोई लगाव नहीं। तुम्हारा सपना? जी हाँ। तो सुना? सुनने के लिए आपके पास वक्त ही कहाँ है। इस प्लान से आपको फुर्सत मिले तो आप हमारी बात सुने। बस इतनी सी बात पर खफा हो गई? चलो मान भी जाओ, सुना दो अपना सपना। एक शर्त पर। क्या? पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर सुनाऊंगी। लीला तुम बड़ी चालाक हो, खिलाने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब सुना दो, अब सुना दो, सुनाओ। और शाम को 7:20 पर रेडियो पर गाना सुनाऊंगी। जरूर सुनाऊंगा। शंकर, हमने तुम्हारा प्लान अच्छी तरह समझ लिया है, इट्स गुड। थैंक यू सर। लेकिन उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे हम मुत्तफिक नहीं, अभी तक नहीं। कौन सी बातें हैं सर? बैठो। पिछले 25 साल से इस मिल को हम बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, ये मानते हो कि नहीं? जी हाँ सर। इसका ये मतलब वो माला कि हम उतने बेवकूफ नहीं जितना शंकर हमें समझ रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। हम तो मजाक कर रहे हैं। मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। मेरा कहने का ये मतलब है कि वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। All right, you are right, I understand. इस बात को कल ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे। यस सर। तो इस वक्त चाय पी ली जाए। ओह। मैं देख लूंगी। हेलो। हाँ। मैं डैडी से अभी कहती हूँ,
डैडी, सर घनश्याम दास के यहाँ आपका डिनर है। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए थे, आज 7:15 बजे घनश्याम दास का डिनर अपॉइंटमेंट है। अच्छा तो कल ऑफिस में मिलेंगे। बैठो बैठो बैठो, हम कपड़े बदल लेते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। घर? जी हाँ। बहुत जरूरी काम है। ये आकाशवाणी बम्बई है, अब आपके सामने प्रस्तुत है ये गजल, गायिका है लीला देवी। हमने चाहा मगर कह ना पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। हमने चाहा मगर कह ना पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल ना पाई जबां उनके आगे। कह ना पाए
वाह लीला वाह, क्या गला पाया है तुमने। वाकई तुम्हारी आवाज में जादू है लीला, जादू। जादू तो आपकी गजल में। अजी हमारी गजल में क्या रखा है, तुम्हारी आवाज ने उसे चार चांद लगा दिए। तो लाइए मेरा इनाम। अजी हम तो उम्र भर के लिए आपके गुलाम हो गए, क्या ये इनाम काफी नहीं? देखिए बात करना बहुत आसान है मगर निभाना मुश्किल। हम तो निभा देंगे अगर आप पीछे न हटे तो। देख आज मैं अंदर जाकर रोजी के साथ नाचूंगा और गाऊंगा, और बेटा तुम्हें यही इंतजार करना पड़ेगा। अब उल्लू क्या पटे, तू क्या मुझे अपनी तरह चिमगादड़ का बच्चा समझ रखा है? मैं तो आज डायरेक्ट रोजी के पास जाकर शादी की बात करूंगा। शादी की बात? हाँ। ना बाबा ना, मेरी शादी की बात तुम मत करना, मैं अपनी शादी की बात खुद ही कर लूंगा। तू क्या समझ रहा है कि मैं तेरी शादी की बात जाके करूंगा, कि मैं उल्लू हो गया हूँ? तो अपनी शादी की बात करूंगा, जरा आप झुकिए तो जल्दी। हम छोकरे होकर अपना शादी का बात अपना मदर से कैसे करने को सकता है? लेकिन मुझे शादी की बात करनी नहीं आती। तुम शादी करने को सकता है, शादी का बात करने को नहीं सकता? क्या उल्लू के माफिक बात करता है मैं? इसको शादी करने का बात हम सिखाएगा, तुम हमारा छोकरे से शादी बनाने को मांगता है? हाँ। तुम्हारा पगार कितना है? 150 रुपया। 150? मम्मी मेरी तनख्वाह 200 रुपया, परमानेंट नौकरी, प्रोविडेंट फंड लग, 2.5 रुपए साल तरक्की और 25 साल के बाद पेंशन। मम्मी मेरे जैसा हैंडसम छोकरा कहाँ मिले? तुम दोनों हमारा बात कान खोल कर सुनने को मांगता। 150 रुपया हमारे ब्रेकफास्ट का होता, बटर जुदा, पाव रोटी का बिल सेपरेट। तुम दोनों में से जो भी हमारे अखे फैमिली का खर्चा उठाएगा हम अपना डॉटर का मैरिज उसके साथ कर देगा। मगर शादी तो? हाँ, बेबी से मैरिज तुम करेगा, इसको तुम खिलाएगा, हमको कौन खिलाएगा इडियट? तेरा बाप? इसका बाप तो मर गया, ये तो यतीम है। वेरी गुड, हमारा बेबी का बाप भी गॉड को प्यारा हो गया, अगर वो जिंदा होता तो उसको भी खिलाने को मांगता था। अभी तुम वंस मोर हमारा बात सुनने को मांगता है। हम अपना बेबी का मैरिज उसी से करेंगे जो 10,000 कैश देगा। 10,000? 10,000 का बात सुन के तुम दोनों घबरा गया? गेट आउट, आई से गेट आउट, हमको ऐसा थर्ड क्लास पार्टी नहीं मांगता। कम इन बेबी। ओहो इडियट, आई से कम इन बेबी, कम इन। मिस्टर चेयरमैन। यस डॉक्टर चटर्जी। श्री शंकर के प्लान को फाड़कर मैं नतीजे पे पहुंचाऊं तो हम सब बेवकूफ हैं। आप अपने बारे में तो नहीं कह रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बेवकूफ नहीं है बल्कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो कैसे? शंकर साहब ने यह मशवरा दिया है कि मजदूरों को कंपनी का हिस्सेदार बना दिया जाए। मजदूरों को कंपनी का हिस्सेदार बनाना गलत है? बिल्कुल गलत है सर। जल्द थालों को बाकी मिस्टर सर, अप्रूव द प्लान? यस मिस्टर चेयरमैन, आई अप्रूव द प्लान। मिस्टर टैंडन? आई अप्रूव। इन दैट केस जेंटलमैन। सर शंकर ने हमें मशवरा दिया है कि पुरानी मशीनरी की जगह नई मशीनरी मंगवाई जाए, ऑफिस और कारखाने को मॉडर्नाइज किया जाए और नई कैंटीनें खोली जाए, बोनस बढ़ा दिया जाए, मजदूरों के तनख्वाह में इजाफा। इसमें खराबी क्या? इस प्लान में खर्च के अलावा तो कुछ है ही नहीं सर। ऑलराइट। डॉक्टर चटर्जी, आपके इतराज को सुनकर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने शंकर के बुनियादी ख्याल को समझा दिया। शंकर का कहना है कि हमें वक्त का साथ देना चाहिए और हमारा भी यही ख्याल है, अगर हमने बदलते हुए हालात का साथ नहीं दिया तो इतनी बड़ी फैक्ट्री को हम चला नहीं सकेंगे। स्ट्राइक्स होंगे, लॉकआउट होगा और सबसे बुरी बात होगी घेराव, जो हम नहीं चाहते। शुक्ला जी, तुम्हारा एतराज है खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन हम इसे खर्चा नहीं कहते, हम कहते हैं यह इन्वेस्टमेंट। जेंटलमैन हम इस प्लान को पास करते हैं। जी हुजूर। शंकर साहब को अंदर भेजो। जी हुजूर। मे आई कम इन सर? कम इन शंकर। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारा प्लान पास कर दिया है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू।
अब तुम चार्ज ले लो और अपने प्लान के मुताबिक काम का शुरू कर दो। जी हम समझते हैं कि इस काम के लिए तुम्हें काफी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, कंपनी की तरफ से तुम्हें एक कार दी जाएगी। थैंक यू सर। शुक्ला एक फीट का बंदोबस्त कर दो। जैसा आप कहें। डॉक्टर चैटर्जी सबसे पहले आप बधाई दीजिए। बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। विश यू बेस्ट ऑफ। थैंक यू। किसकी गाड़ी है? तुम्हारी और मेरी। मगर कैसे? लीला सेठ जी ने मेरा प्लान पास कर दिया है और मेरे इस्तेमाल के लिए ये गाड़ी दी है। भगवान से हमेशा मैं प्रार्थना करती थी कि तुम्हारा प्लान पास हो जाए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आओ लीला आओ। मगर कहाँ जा रही है? तुम आओ तो सही। बहुत ज्यादा सवाल करती है। आप मुझे कहाँ ले आए? तुम यहाँ कभी नहीं आई? जी नहीं। कितनी सुंदर जगह है लीला। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। इस खुशी में आप मुझे क्या देंगे? ये देखो।
मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। ना मुझे गमे मुकद्दर, ना मुझे गमे जमाना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना। ना मुझे गमे मुकद्दर, ना मुझे गमे जमाना, तेरे दम से है सलामत आशियाना। रहे उम्र भर जुबा पर तेरे प्यार की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। मैंने सुना है जो नई मोटर घर के लिए खरीदी थी वो तुमने शंकर को दे दी, तो क्या हुआ? लड़का समझदार है, उसमें आगे बढ़ने की तमन्ना है, एक दिन हमारे फैक्ट्री का मैनेजर भी हो सकता है। वो तो मैं जानती हूँ, जो कुछ तुम कर रहे हो अपना कर्ज चुकाने के लिए कर रहे हो। बिल्कुल नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं। हमने तो इसलिए गाड़ी दी है क्योंकि he's worth it। आंटी, डैडी ने सिर्फ कार ही नहीं दी, शंकर के प्लान को भी पास कर दिया है। यू आर राइट माय डियर। किसी को जर्मनी भेज रहे हो, किसी को कार दे रहे हो, लेकिन अपनी बेटी के बारे में तुमने कुछ सोचा? बेटी, अपनी बेटी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया दीदी। वक्त ज्यादा हो गया, ज्यादा वक्त लगेगा तो तनख्वाह भी ज्यादा होगी ना। क्यों नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं लीला, लीला इतनी देर कर दी, मैं तो इंतजार करते करते थक गई। तुम तो जानती हो लीला, मैं जिस काम को शुरू करता हूँ जब तक उसे खत्म नहीं कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। सर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मुझे तो यही डर लगा रहता है कहीं आप बीमार ना हो जाए। नहीं लीला नहीं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता हूँ। घर से जब मैं निकला था तो माँ का आशीर्वाद लेकर निकला था, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। सर इन पेपरों से साफ जाहिर होता है कि सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ी है बल्कि आमदनी भी। राइट एंड गुड। शंकर, दरअसल हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस स्कीम को तुम इतनी अच्छी तरह मुकम्मल कर लोगे। तुम्हारा काम वाकई काबिल तारीफ है, इज अ वेरी लॉडेबल एफर्ट इंडीड, वेरी लॉडेबल। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। सर, इस प्लान को मुकम्मल करने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं था बल्कि उन तमाम मजदूरों और साथियों का हाथ भी था। यह सुनकर हमें बड़ी खुशी हुई शंकर कि इस फैक्ट्री को मजदूर अपना समझते हैं। तो फिर मेरी दरखास्त है सर, मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या ख्याल है, तुम्हारा 3 महीने का बोनस कैसा रहेगा? वंडरफुल वंडरफुल सर, थैंक यू। गुड बाय दोस्तों। एक खुशखबरी सुनाता हूँ आप लोगों को। सेठ जी, आप लोगों के काम से इतने खुश हुए
कि 3 महीने का बोनस का ऐलान किया। शंकर राजा की जय। ज्वाला प्रसाद जिंदाबाद। ज्वाला प्रसाद जिंदाबाद। ज्वाला प्रसाद जिंदाबाद। बोनस की खुशी में जरा खाने पीने और नाच गाने का प्रोग्राम हो जाना चाहिए। तुमसे ज्यादा नहीं। जरा संभल कर चलिएगा, कहीं ठोकर न लग जाए। ठोकर लगने की बात ही नहीं है लीला, वो मुझे टॉप पर ले जाना चाहती है। कौन, माला? हाँ लीला, कहने लगी कि अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो
तो मैं डैडी से तुम्हें मदद दिलवा सकती हूँ। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं सोच रहा हूँ कि अगर माला मेरी मदद कर सकती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके बदले में माला ने आपसे कुछ मांग लिया तो? मैं तुम्हारा हो चुका हूँ लीला, सिर्फ तुम्हारा। गुड। देखो शंकर, इन सब प्लान्स के बारे में तुम जो भी ठीक समझो कर लिया करो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। चलो। और सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बताइए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सगाई माला के साथ कर दी जाए। जी, माला के साथ? हाँ हाँ, माला के साथ। क्यों, हमारी बेटी तुम्हें पसंद नहीं है? ये बात नहीं है सर, लेकिन 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 क्या? मैं इस काबिल नहीं हूं। हम तुम्हारी जहानत और काबिलियत से बेहद मुतासर हैं। हम तुम्हारी माता जी को खत लिख देते हैं, उनके जवाब का इंतजार रहेगा। बाकी हमारे तरफ से बात पक्की है। नहीं, उनको लवली। हाँ हाँ, अरे शंकर तू आ गया। अरे शंकर, क्या चाय बनी है यार। आ बैठ बैठ, मैं तुम्हें चाय बनाता हूँ। नहीं यार। अरे तू इतना परेशान क्यों है? बात यह मट्टू के सेठ जी माला से मेरी सगाई करना चाहते हैं। अरे तो उसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। अरे जिस उम्मीद पे तू आया था ना, वो तेरी उम्मीद पूरी हो रही है। मट्टू, अरे तू नहीं समझता यार, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन। लेकिन मट्टू तो समझता नहीं। तू मेरी बात तो सुन। देख, तू हाँ बोल दे और तू बॉस बन जाएगा और मैं छोटा मोटा तेरा सेक्रेटरी बन जाऊंगा। मैं कहता हूँ वो आएगी, आएगी किसी हालत में भी आएगी। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, किसी हाल में नहीं आएगी। अरे तेरी सूरत तो बुरी है लेकिन बात तो अच्छी कर। बुद्धू अभी अरे आ गई मेरी रोजी, इठलाती मंडलाती बल खाती हुई आ गई। देखा मेरी रोजी है। तशरीफ रखिए मिस रोजी। थैंक यू। आई वेलकम। ये लीजिए गुलदस्ता है प्यार। अरे तेरा मुंह पे फिटकार। ये कोई गुलदस्ता देने का वक्त है? तुम लोग जोकर के माफ़ काय को बात करता है? पहले ये बोलो हमारे साथ मीटिंग इधर काय को रखा? रोजी डार्लिंग, तुमसे ये कहने के लिए मीटिंग रखा कि मैंने 10,000 रुपए का इंतजाम कर लिया है। और मैंने 20,000 रुपए का इंतजाम कर लिया है। कल सप्ते में मेरा नंबर निकलने वाला है मिंडी से का। क्या तक नहीं आएगा? ये रही मेरे बाप की इंश्योरेंस पॉलिसी। आज मेरा बाप मरा, कल 20,000 रुपए 100% गारंटी। अरे तेरा बाप नहीं मरा तो? माय गॉड, तुम दोनों छोकरी के माफक काय को फाइट करता है? हम तुमको अच्छा तरह से बोलता है, सीरियस बात सोचो, अच्छा से लाइफ बनाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। रोजी डार्लिंग, तुम दोनों हमारा हाथ छोड़ना मांगता है। मैं दोनों को छोड़ने को नहीं मांगता। मैं पुलिस, पुलिस वो बोलता है इन दोनों को पकड़ो, गुंडा लो को पुलिस। भाग्या, अब कभी मिलना। रोजी, मम्मी मम्मी का बच्चा, तुम इधर काय को मरने को आया? चल घर को। भाईजान, कदरदान, मेहरबान, मानदान, जो आदमी मुझ जैसा खड़का हो और जिसको 10,000 रुपया कमाना हो, मिस्टर पिंटो को हराओ, 10,000 रुपए कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ, 10,000 रुपए कमाओ। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। मिस्टर पिंटो को मार के रुपए 10,000 कमाओ, सिर्फ बड़ों के लिए, बच्चों को घर में छोड़ के आइए। जिसके जेब में पैसा है, जिसके जेब में पैसा है, जलंधर बाकी सब बोरी बंदर। 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। अब भाई किस्मत आजमाओ, बच्चे के लिए नहीं, सिर्फ बड़ों के लिए। चलो अंदर, चलो अंदर। जो भी मिस्टर पिंटो को हराएगा 10,000 कमाएगा, 10,000 कमाएगा। बाल बच्चे वाले आओ, अरे खानदान वाले आओ, अरे जल्दी कमाओ। 1 रुपया, 1 रुपया। आओ भाइयों, आओ मेरे भाई। अपना काम बन गया, डार्लिंग रोजी से शादी करने का मौका आ गया। इस पिंटो के बच्चे को 1, 2, 3 दो दूंगा ना, तो उसकी घंटी बच जाएगी।
प्यारे पहले अपने बांके का बांकपन देख ले, पिंटो को एक ही वार में लट्टू की तरह घुमा दूंगा और 10,000 रुपया लेकर मैं डार्लिंग रोजी से शादी करूंगा। तू करेगा? हाँ। अबे हट। बाकी नहीं भैया, खड़े हो जाओ। हम लोगों को पत्थर मारने की हिम्मत नहीं है। हम लोगों ने इतना मार खाया कि वो मार भर याद रखेंगे। हम लोग तो आज डायरेक्टली अंदर जाते हैं। ए, तुम लोग बिगड़ पूछे घर में काय के वास्ते एंटर हुआ? रोजी डार्लिंग, तुम अपने मिट्टो को नहीं पहचानती? और बांके जिसको आज टांके लगे हुए हैं उसको भी नहीं पहचानते? एमेन, तुम लोग इतना बुरा हालत काय को बनाया? ये फेस से मार कैसा लगा? अरे रोजी डार्लिंग, तुम्हें पाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ा, लेकिन झूठ, एकदम झूठ। अभी हमारा मदर मार्केटिंग करके आता ही होगा, तुम दोनों किधर देखेगा तो घर से बाहर निकाल देगा। जरूर निकालेगा। तुम में से जो भी 10,000 रुपया लाया हम बेबी का मैरिज उसी के साथ करेंगे। बोलो तुम में से 10,000 रुपया कौन लाया? हम मम्मी। बाय गॉड, इतना मार अगर हम गॉड के लिए खाता तो हमें गॉड मिल जाता मम्मी। क्या तुम्हारी रोजी की कीमत गॉड से भी ज्यादा है मम्मी? तुम दोनों एकदम इडियट है। आजकल पैसे का कीमत गॉड से जास्ती है।
हमारा जैसा गधा लोग पेट भर के रोटी खाता और समझदार इंसान भूखों मरता है। गेट आउट। कभी तुम हमारे घर में बगैर पैसा लिया आया, हम तुम्हारी तांगड़ी तोड़ देगा। हम बोलता है जाओ मम्मी, जाओ, तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा कभी। इडियट, तुम इधर क्या करते है? तुम्हारा बाप का घर है। रोटी, कम हियर, कम हियर। अरे आओ आओ, तुम दोनों का ही इंतजार था। डॉक्टर शंकर जी, तुम्हारी माता जी का खत आया है, उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया है और हमने सगाई की तारीख पक्की करी। क्यों माला बेटी, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है। क्यों जी, क्यों शंकर तुम्हें? अरे इनसे क्या पूछती हो दीदी, तुम बस सगाई कर दो, जब शादी का दिन आएगा ये दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर सबसे आगे खड़े रहेंगे। हम दोनों पीछे खड़े रहेंगे। क्यों शंकर, दुनिया ही ऐसी है। शंकर क्या उदास क्यों हो गए? शंकर सगाई की बात पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बेटा शंकर, आज ही शेर ज्वाला प्रसाद जी की चिट्ठी मिली, वह तुम्हारी मंगनी माला से करना चाहते हैं। मुझे याद है तुम्हारे दोस्त सुंदर ने बताया था कि तुम्हें लड़की पसंद है। बेटा, मैंने सेठ जी को लिख दिया है कि ये रिश्ता मुझे मंजूर है, अब मेरे वादे की लाज रखना तेरा फर्ज है। तुम्हारी माँ। लीला, मैं तुमसे आपकी चिट्ठी। लीला, मैं तुमसे चिट्ठी फाड़कर आप ये जताना चाहते हैं कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं? लीला, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने सेठ जी को कहा भी था कि मैं बच्ची नहीं हूँ, सब कुछ समझती हूँ। काफी अरसे से आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और आप अपने मतलब के खातिर माला को भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लीला, मुझ पर यकीन करो। यकीन? यकीन उस पर किया जाता है जो लफ्ज यकीन की इज्जत करता हो। लीला, लीला, शुक्ला। यस सर। तुम तो जानते हो कल माला की सगाई है। जानता हूं सर। एनीथिंग रॉन्ग सर? बिल्कुल खास बात नहीं, कुछ दिनों से कुछ चुभन सी महसूस होती है। खैर, हम कहना चाहते थे कि माला हमारी इकलौती बेटी है, उसकी सगाई में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा सर। कहीं ऐसा ना हो कि बराती आ जाए दूल्हा मियां गायब। ऐसी गुस्ताखी तो कोई आपके साथ नहीं कर सकता। खैर, तुम काम पर लग जाओ, कंगो ना। ओके सर। सगाई के लिए मुबारकबाद हो मिस्टर शंकर। अरे भाई मुस्कुराओ तो सही, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी सगाई नहीं हो रही बल्कि सूली पर चढ़ाया जा रहा है। ले भैया ये सूट पहन ले और जल्दी कर, नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दीदी, तुमने ये सोचा कि इस दिन के लिए हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? उस दिन माला छोटी सी थी, आज कितनी बड़ी हो गई है, आज उसकी सगाई है। जिंदगी का क्या भरोसा दीदी, हम जिंदा था ये देखने के लिए। मुझे सेठ जी से कहना है कि ये सगाई। अरे चुप रहो,
सगाई सगाई देखते नहीं मेरे भाई की तबीयत खराब है तुम्हें सगाई की पड़ी है। क्या हुआ माँ दीदी? क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत सख्त दर्द होता है बेटी, ऐसा मालूम होता जी नहीं सकूंगा। कुछ कुछ होने से पहले मैं चाहता हूँ तुम दोनों की सगाई हो जाए बेटी। शंकर को बुलाओ, शंकर 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 बैठो। शंकर शंकर मेरा वक्त आ गया शंकर। नहीं नहीं सर जी, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को भगवान तुम दोनों को सुखी रखे शंकर। नहीं सर जी। शंकर दीदी, डॉक्टर साहब देखिए दीदी प्लीज। कहाँ है डॉक्टर? बहुत जोर का दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ डॉक्टर। यस कुछ कीजिए डॉक्टर। मेरे भाई को हार्ट अटैक। आराम, अब क्या होगा? घबराने की बात नहीं दीदी, ज्वाला को मुकम्मल आराम की जरूरत है, बट नो नॉइज। एक काम कीजिए डॉक्टर, नीचे जाके सगाई का ऐलान तो कर दीजिए। हाँ दीदी क्यों नहीं, ये मेरा फर्ज है। जेंटलमैन, आप लोगों को यह सुनकर खुशी होगी कि सेठ ज्वाला प्रसाद की तबीयत पहले से बेहतर है। फिर भी उन्हें आराम करने की जरूरत है। उनकी तरफ से मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी महसूस होती है कि कुमारी माला और श्री शंकर की सगाई हो रही है। मैं अपनी तरफ से और खासकर आप सबकी तरफ से कुमारी माला और श्री शंकर को बधाई देता हूं। खुशखबरी सुनाने आया हूं। क्या धांसू किस्मत पाई है शंकर ने, उसकी सगाई हो गई। जानती हो किससे? माला से। लीला पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं ये सगाई हरगिज नहीं होने देता। शंकर तुमसे प्यार करता था? हाँ भैया। हाँ? शंकर, शंकर ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया। वो मुझसे बच के नहीं जा सकता, वो मुझसे बच के। Thank you.
ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। आओ आओ शंकर आओ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बैठो। ये रहा आपका टिकट और पासपोर्ट। हाँ। फ्लाइट आज रात को 12:30 बजे है, लेकिन कस्टम्स के लिए आपको एयरपोर्ट 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। अभी वक्त है, तुमसे जरूरी बात करनी है। कंपनी की सारी जिम्मेदारियां हम माला पर छोड़े जा रहे हैं, हमें उम्मीद है तुम इसकी मदद करते रहोगे और अब तुम्हें करना चाहिए। जरूर सर, जरूर। और दूसरी बात, माला हमारा जो पेडर रोड पर फ्लैट खाली है। हाँ दादी। शंकर का रहने का बंदोबस्त वहां होना चाहिए और कल तुम शिफ्ट कर रहे हो। जैसी आपकी मर्जी सर। दे रहा है, ये कौन है? रेडियो की मशहूर सिंगर है। तो आपने उसका फोटो क्यों रखा है? मुझे इनके गाने बहुत पसंद है। कहीं आपको उनसे प्यार तो नहीं हो गया? अगर मैं हाँ कहूं तो मुझे विश्वास नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर शंकर। बहुत देर हो गई है, दीदी इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हसरतें आरज़ूएं मांगे जाने किस राह पर जा रही थी, हसरतें उमंगे जाने किस राह पर जा रही थी, जाने किस राह पर जा रही थी,
गंगाराम जी साहब कहाँ गए? मालूम नहीं दीदी जी। अच्छा जाओ। हेलो कौन? शंकर साहब दफ्तर में आने वाले हैं क्या? नहीं, अगर वो आए तो उनसे कहना मैं नए मकान में उनका इंतजार कर रही हूं। फिर वो कहां जा सकते हैं? अब कहने के लिए क्या रह गया है? मैं सच कहता हूं लीला, मैंने तुम्हें जानबूझ के धोखा नहीं दिया। न जाने ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। लीला मैं तुमसे भगवान के लिए मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए और चले जाइए। शंकर बाबू आप यहाँ कैसे रास्ता भूल गए? लीला शंकर बाबू आए हैं, इनके लिए चाय लाओ। नहीं मट्टू मैं चाय नहीं पीऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम चाय नहीं पियोगे तो शराब पियो। मट्टू अरे पियो। ओ तुम्हारी नजरों में शराब पीना गुनाह है, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत की गले पे छुरी फेरना गुनाह नहीं। मैं बेहद शर्मिंदा हूं दोस्त तुमसे और लीला से। यकीन मानो जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं, बिल्कुल बेकसूर हूं। कसूर तो बेचारी लीला का है जिसने तुझे चाहा। तूने अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाकर उसे कहीं का नहीं रखा। बेशरम, अगर धोखा देना ही था तो मुझे देता। मेरा दोस्त होकर मेरी बहन की जिंदगी से खेलते हुए तू एक शर्म नहीं आई। भैया निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने अच्छा नहीं किया। इससे अच्छा होता आप मुझे मार डालते। कहाँ गए थे? दफ्तर। जी हाँ, एक जरूरी काम था। इस वक्त काम ही कुछ ऐसा था। लेकिन आप अभी तक घर नहीं गई? जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हुजूर फंस गया, लेकिन साहब ऐसा फंसा है कि वाह 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 वाह। कौन फंस गया? शंकर हुजूर, शंकर। शंकर? हाँ हाँ शंकर, बड़ा अकड़ता फिरता था, लेकिन इसके एक ही वार ने सारी इज्जत खाक में मिला दी। वारे ऊपर वाले वाह 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 वाह। कभी सीधी बात नहीं करेगा, हमेशा तोड़ मरोड़ कर बात कहेगा। क्या हुआ साफ साफ बोल। ये अपना शंकर है ना, मट्टू की बहन से इश्क करता था। कल रात वो चुपके से उसके घर गया, बस एक दो बातें कर पाया कि अहम वक्त पर मट्टू आ गया। हुजूर क्या मारा है मट्टू ने, क्या ठुकाई की है कि बस मट्टू का हाथ चूमने को जी चाहता है। हुजूर बाल बाल बच गया शंकर, वरना उसकी लाश ही घर से निकलती। इस मौके को हाथ से न जाने देना हुजूर।
मट्टू शंकर, रात जो कुछ हुआ उसके लिए बेहद शर्मिंदा हो, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मट्टू, गलती तो मेरी है। ये क्या मट्टू, तुम्हारा रेजिग्नेशन? क्यों? हाँ, अब मैं इस दफ्तर में नौकरी नहीं कर सकता। कल रात की बात हर क्लर्क को मालूम हो गई है। अब लोग मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? शंकर, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो कहीं नहीं जाती। मट्टू, जरा सोचो, ये वक्त अच्छा नहीं है। अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो तुम्हें मकान भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं मट्टू, अपना इस्तीफा वापस ले लो प्लीज। मैंने सब सोच लिया है, मशवरे का शुक्रिया। मेरे सामने दुनिया में सबसे प्यारी चीज है मेरी बहन की इज्जत। आपको इस किस्म की बातें मुझसे नहीं कहनी चाहिए। अगर सेठ जी यहां होते तो मैं इस किस्म की बातें कभी ना कहता। लेकिन आप ही सोचिए, आपकी सगाई शंकर से की गई और वो किसी दूसरी लड़की से। लड़की? सॉरी, दफ्तर में दिन भर इन्हीं बातों का चर्चा रहता है। मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए। मैं अपनी भलाई अच्छी तरह जानती हूँ। किसी को बदनाम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम खुद कितने नेक हैं। मैंने शुक्ला जी से साफ साफ कह दिया है कि आपको इस किस्म की फजूल बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। कल मेरी सालगिरह है, मैंने बहुत से लोगों को बुलवाया है। तुम आओगे ना? जरूर आऊंगा, जरूर। नहीं आओगे तो झगड़ा हो जाएगा। मेरे खिलाफ माला से शिकायत करने की जरूरत कैसे हुई तुम्हें? बात ही ऐसी थी, मैं कहे बगैर नहीं रह सका। क्या बात थी? दफ्तर का हर शख्स कहता है कि आपका लीला से नाजायज ताल्लुक है। मैं तुम जैसे जलील आदमी को इस दफ्तर में रखना नहीं चाहता। खजांची से जाकर अपना हिसाब चुकता कर लो। अब हिसाब इस तरह चुकता नहीं होगा शंकर साहब। उसकी सालगिरह है, उसने हम दोनों को बुलाया है। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जी नहीं चाहता किसी से मिलने। मैंने दुनिया देख ली और जी भर के देख ली। तुम भी नहीं जाओगी ना? मैं तो जाऊंगी। क्यों? मुझे जाने दो भैया। लेकिन क्यों? ये मुझसे मत पूछो।
ही बैठने चाहिए। एक बैठे ना जी। नहीं चलते, कुछ तो पीजिए। टी, कोका कोला, एनी सॉफ्ट ड्रिंक। जी नहीं शुक्रिया। तुमने लॉकेट माला को दे दिया? हाँ, जिसका था उसे वापस दे दिया। क्यों? जब तुम ही मेरे न हुए तो लॉकेट रखकर क्या करती? मैं सच कहता हूं लीला, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। सच प्यार मुझसे करते हो? सगाई माला से? लीला, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो कुछ किया हालात से मजबूर होकर किया? काश तुम्हें मेरी बेबसी और मजबूरी का एहसास होता। काश तुम्हें इस बात का इल्म होता कि मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं की बल्कि आज तक मैं तुम्हें पूछती हूँ। लीला, लीला, मौके पर एक गाना तो सुनाओ। आओ तो, आओ ना। आओ तो, आओ तो सुनाओ। हम कोई एक्चुअल सुनने वाले नहीं। आज तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा। गाना ही पड़ेगा। गाना ही पड़ेगा। नहीं, आज मैं सचमुच गाना। चलिए ना, बैठिए ना। नहीं वक्त आज तो गाना गाना ही पड़ेगा। सुनो एक गीत शंकर, मजे ही आ जाए। बैठो शीला, बैठिए। देखता हूँ मैं प्यार से,
मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियां। मुझे गम मिला न खुशी मिली, मेरी जिंदगी है अजीब सी, मुझे गम मिला न खुशी मिली, मुझे गम मिला न खुशी मिली, कभी हंस दिया कभी रो दिया, मैं लिपट के दामन यार से, मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियां। यही मेरे दिल की है आरज़ू के हो आँखों आँखों में गुफ्तगू, यही मेरे दिल की है आरज़ू के हो आँखों आँखों में गुफ्तगू, के हो आँखों आँखों में गुफ्तगू, मेरा दर्द काश वो जान ले, कभी मेरे दिल की पुकार से, मेरे आगे नाम चमन न लो, मैं डरा हुआ हूँ बहार से, मेरा दिल है प्यार का आशियां, यहाँ जी तो लूंगा करार से, मेरा दिल है प्यार का आशियां। अब कहने के लिए रह क्या गया है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, पहले मुझे यकीन नहीं आता था लेकिन अब। भूल मुझसे जरूर हुई है माला। ते भूल नहीं कहते शंकर, ये धोखेबाजी है, मोहब्बत लीला से करते हो और शादी का ढोंग मुझसे रचाना चाहते हो, सगाई से पहले डैडी से साफ साफ क्यों नहीं कह दिया। मैं कहना चाहता था लेकिन। और तुम्हें मौका नहीं मिला, यही कहना चाहते हो ना शंकर, तुमने अपनी पोजीशन और ओहदे के लिए मेरे साथ ये चाल चली, लीला को दगा देकर सगाई मेरे साथ कर ली ताकि तुम आगे बढ़ सको। माला मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए क्या रह गया है, शुक्र है परमात्मा का कि इस वक्त डैडी यहाँ नहीं है, अगर डैडी को उन बातों का पता चल जाता तो उन्हें दिल का दूसरा दौरा पड़ जाता। Please now leave me alone. Please go away. Please, that's unfair. Please go. Leave me alone. पर बैठने की इजाजत किसने दी तुम्हें? आजकल आका बड़ी जल्दी गुलाम बन जाते हैं और गुलाम आका।
फर्क सिर्फ इतना है कि चंद लोग शराफत से आका बनते हैं, बाकी के बदमाशी और हरामखोरी से। Take this. मिस्टर शंकर, तुम्हें नौकरी से मुअत्तल किया जाता है, अब तुम्हारी जगह श्री शुक्ला काम करेंगे। माला। मिस्टर शंकर, शायद याद होगा जब मैंने कहा था कि हिसाब इस तरह चुकता नहीं होगा। आज मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। Now get out! आपको मालूम होगा कि डैडी शंकर के काम से कितने खुश थे। मैंने शंकर को निकाल कर एक खतरा मोल लिया है। इसका मुझे एहसास है, इसलिए मैं चाहती हूं कि दफ्तर का काम काज इस तरह हो कि कोई शख्स शंकर की कमी महसूस न करे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्या बात है माँ, क्या बात है? अरे तुम्हें तो बुखार है, भोला कहाँ है? भोला भी बीमार है बेटा, अब तू आ गया, मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन ये तो बता, ना चिट्ठी ना पत्थर, तू अचानक चला कैसे आया? तुम आराम करो माँ, तुम आराम करो, आराम करो। शादी की तारीख पक्की हो गई क्या? चुप क्यों है? बोल ना, सब खैरियत तो है ना? माँ, मैं माला से शादी नहीं करना चाहता। माला से शादी नहीं करना चाहता है? क्यों? इसलिए कि मैं किसी और लड़की को वचन दे चुका हूँ। आग लगे तेरे वचन को। तू नहीं जानता सेठ ज्वाला प्रसाद से हमारे पुराने व्यवहार है, जिसने तुझे नौकरी दी, मकान दिया, तरक्की दी, अपने बेटे जैसे चाहा, उसकी बेटी को तू ठुकरा रहा है, एहसान फरामोश। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? आज तेरे पिता जिंदा होते तो 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 मैं कहती माला से ही तुझे शादी करनी पड़ेगी। माँ, अगर मैं न कर सकूं तो? तो तू अपनी माँ का मुंह नहीं देख सकेगा। माँ। हाँ हाँ, तुझे अपनी मनमानी करनी है तो कर, मगर मैं कह देती हूँ फिर दोबारा मेरी सूरत देख नहीं। माँ, ऐसे मत कहो माँ, ऐसे मत कहो। जो तुम चाहती हो वही होगा, वही होगा माँ, वही होगा। ऐ मेरे राजा बेटा, बेटा मैं जानती हूँ तू मेरा दिल नहीं दुखा पाएगा। ताज्जुब की बात है, हम चंद दिनों के लिए विलायत का चले गए, तुम लोगों ने सारा मामला चौपट कर दिया। माला, हम पूछते हैं कि शंकर को निकाल देने की क्या जरूरत थी, हमारे आने का इंतजार तो किया होता। माला, सुनी सुनाई बात का कभी अखबार नहीं करना चाहिए। अगर शंकर ने कुछ सुनी सुनाई बातों पर नहीं डैडी। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तुम्हारी समझ में ये बात उस समय भी नहीं आई थी जब मैंने तुमसे मना किया था कि माला की सगाई शंकर के साथ मत करो। सगाई की तो हुआ क्या? क्या हुआ? शंकर किसी और लड़की को प्यार करता है। हाँ हाँ, हाँ, ये क्या कर रही हो? आप मेरे पिता समान हैं। बैठिए। हाँ। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, हम चाय पीते नहीं। पीजिए ना। एक गिलास पानी दे। अच्छा बैठिए।
आपकी सेवा करने के लिए मेरे पास। हम जानते तुम शंकर से प्यार करती हो, हम उस प्यार की कीमत अदा करने आए हैं। शंकर की शादी हम अपनी बेटी के साथ करना चाहते हैं। मैं माला दीदी को अपनी बहन समझती हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी अगर शंकर की शादी माला दीदी से हो जाए, मगर भगवान के लिए रुपयों का लालच देकर मेरे प्यार का अपमान मत कीजिए, मेरे प्यार का अपमान मत कीजिए। I'm sorry, मैं तो गलती हो गई बेटी, हमें मालूम नहीं था कि बेटी, दरअसल आज हम तुम्हें खरीदने आए थे, लेकिन तुमने हमें खरीद लिया, तुमने हमें खरीद लिया बेटी। एरोडोम पर नहीं आया शंकर जी? माँ जी से मिलने गया था। ओ हाँ हाँ, अच्छी माता जी? जी अच्छी। तुमसे कुछ कहना ऊपर आ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? हाँ, हम कहना चाहते थे कि शादी से हम और माला दोनों बेहद खुश हैं। तुम भी खुश हो ना? जी हाँ। मगर तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, बात क्या? जी कोई खास बात नहीं। गुड गुड, तो फिर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर हम जल्द से जल्द शादी की तारीख पक्की कर लें? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। तुम हट जाओ भला, हमने इसे एक शरीफ इंसान समझकर इसे सच बोलने का मौका दिया, लेकिन फिर भी इसने झूठ बोला। तुमने हमें ही नहीं, माला को ही नहीं, बल्कि एक बेसहारा मासूम लड़की को भी धोखा दिया। अपने मकसद की खातिर तुमने माला से सगाई कर ली, क्योंकि तुम्हें माला से नहीं बल्कि इसके दौलत से प्यार है। तुम इस घर में कदम रखने के लायक नहीं हो, तुम निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, हट जाओ माला। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। इन्हें मारने से ये बेहतर होता कि आप मेरा गला घोंट देते, आप मेरा गला घोंट देते। सिगरेट? डैडी, क्या हुआ? आराम कर, हमें अकेला छोड़ दो माला, हमें अकेला छोड़ दो, हमें किसी की जरूरत नहीं। माला, पानी का गिलास और वो गोलियां मुझे ला दो, वो गोलियां। अब भी तुम शंकर से प्यार करते हो? माला, सर इसका ध्यान की क्या जरूरत है? सर, ऑफिस से 2 लाख रुपयों का गबन हो गया है। 2 लाख? शंकर के ऑफिस से। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे पास सबूत है। कैसे आ गया?
किसी सवाल के जवाब के लिए मैं यहाँ आया हूँ मिस्टर शंकर। लाइए, गिव इट टू मी। और बाकी पैसा? बाकी पैसा? वेल नेवर माइंड, आई विल हेल्प माई सेल्फ। कॉन्स्टेबल तलाशी लीजिए। मगर इंस्पेक्टर साहब, ये सब मामला क्या है? सेठ ज्वाला प्रसाद के दफ्तर से 2 लाख रुपयों की चोरी हुई है और पैसा आपके घर से बरामद हो रहा है। 2 लाख रुपए की चोरी? ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, झूठ। सर, ये 8 रुपया बरामद हुआ, 40,000, दैट मीन्स 50,000। साफ साफ बताइए मिस्टर शंकर, बाकी पैसा आपने कहाँ छुपा रखा है? यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे फंसाया जा रहा है। ऑल राइट, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मेरे साथ। आई सेड कम ऑन। गले में फूलों का हार पहनाएगी। शंकर ने ऐसा क्यों किया डैडी? यही हम भी सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। मान सकते हैं कि वो हमें धोखा दे सकता है, तुम्हें धोखा दे सकता है, लीला को धोखा दे सकता है, लेकिन 2 लाख का गबन, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। मुझे भी यकीन नहीं आता डैडी। लेकिन इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता कि 50,000 रुपए उसके घर से निकले हैं? डैडी, शंकर को जेल जाने से बचा लीजिए प्लीज। कानून के आगे हम बेबस हैं माला, अब हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? उसने 2 लाख रुपए का गबन किया है सेठ जी के दफ्तर से। नहीं, शंकर ऐसा नहीं कर सकता, शंकर ऐसा नहीं कर सकता। लीला, लीला कहाँ जा रही है? लीला, मुझे मालूम था एक न एक दिन तुम जरूर आओगी। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार कर लिया है दीदी। जो शख्स 2 लाख रुपयों का गबन करेगा, क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी? दीदी, ये बिल्कुल झूठ है, ये झूठ है दीदी। झूठ और सच का फैसला तो कोर्ट में होगा लीला। अगर एक बार जेल चले गए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें जेल जाने से रोकिए। मैं उन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? आप तो जानती हैं उन्होंने गबन नहीं किया, फिर आप उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या आपके दिल में उनके लिए जरा भी मोहब्बत नहीं? जवाब दो दीदी, जवाब दो। काश काश मैं जज होती तो फैसला तुम्हारे हक में करती। मुझे मालूम था मट्टू, मुझे माफ कर दो। किस्मत ने मुझे कहां लाकर फेंक दिया। मैं सच कहता हूं मट्टू, मैं सच कहता हूं कि मैंने कोई गबन नहीं किया। शंकर, मैं जानता हूं ये किसकी साजिश है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, यह है शंकर की रिहाई का हुक्म, तुमने उसकी जमानत दे दी है। तशरीफ रखिए। राइट हवालदार, शंकर को रिहा कर दो।
मैं ये साबित कर दूंगा सेठ जी कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं ये साबित कर दूंगा। शंकर, इसी उम्मीद पर हमने तुम्हारी जमानत दी है। शबनम को भूल जा, आज अपने होश खो दे, हर गम को भूल जा। शोला है तेरे आगे, शबनम को भूल जा, आज अपने होश खो दे, हर गम को भूल जा। साकी से ले ले तू एक जाम, बढ़ा के हाथ बल्ला, थोड़ी सी और पी। कुछ देना चाहता हूं।
नहीं, मैं इसे अपने हाथों से पहना दूं। कहाँ है बाकी पैसे? क्या बकते हो? चोरी तुमने की है और पैसे मुझसे मांगते हो? चोरी करता है? और यही है वो चोर जिसने चोरी की और मुझ पर इल्जाम लगाया था। यही है वो। चलो यहां से ले जाइए इंस्पेक्टर, हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते। चला, 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 चला। अब मुझे भी इजाजत दीजिए सेठ जी। अब तुम क्या करना चाहते हो शंकर? मैं वापस घर जाना चाहता हूं। यहां मेरा कौन है? घर से जो कुछ सोच कर आया था वो तो करके देख लिया, बाजी जीत कर भी हार गया सेठ। नहीं शंकर, तुमने अपने फर्ज को दयानतदारी ईमानदारी से निभाया है, अब हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। माला सेठ जी, आप मेरा मतलब नहीं समझे। हम खूब समझते हैं माला। समझते हैं बेटी, दो दिलों को अलग करना बहुत बड़ा पाप है। माला शंकर, लीला को पहना दो जी। मेरी बेटी लीला को यह अंगूठी पहना दो शंकर। लो अब असली शादी वही होती है जहां दो दिलों का मेल हो। भगवान तुम दोनों का हमेशा सुखी रखे। दादी